गुड मॉर्निंग प्रेयर शुरू करें। सीधा बैठें मगर बिना तनाव के बैठें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। अंदर जाती हुई सांस, फिर बाहर जाती हुई सांस, उन्हें जानते रहें। अवेयरनेस होश बनाए रखें। बिना कोई कामना किए सांस को जानते रहें। न ज्यादा सांस चाहिए न कम सांस चाहिए, जितनी आ रही है जितनी जा रही है उतनी चाहिए। पूरे स्वीकार भाव के साथ चलता रहे। सभी आंखें बंद करें। ध्यान प्रार्थना बीज को ऐसे बोएं ताकि करोड़ों गुना मल्टीप्लाई होकर सबको मदद करे। आपके नेक इरादे से शुरुआत करें। ईश्वर सबको गाइड कर रहा है। हर जीव को भाव इंट्यूशन अंतर्बोध से मार्गदर्शन दे रहा है। कुछ लोग ये समझ पाते हैं, कई लोग यह समझ नहीं पाते। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें कि सब जो आज नहीं समझ पा रहे हैं वे भी ईश्वर द्वारा दिया गया मार्गदर्शन योग्य समय पर पहचान कर कार्य करें। मार्गदर्शन देने की शुरुआत ईश्वर हर जीव के अंदर से करता है। पहले अंदर से, जब अंदर से मार्गदर्शन कोई नहीं ले पाता है तब बाहर से यह गाइडेंस दिया जाता है। कृपा रुकती नहीं है, बंद नहीं होती। जब इंसान सुनना बंद कर देता है तो बाहर से व्यवस्था की जाती है। लगातार कुदरत की यह कोशिश जारी है। जिन लोगों ने सुनना शुरू कर दिया है वे समृद्ध स्वस्थ जीवन आज जी रहे हैं। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, हर तरह से वे योग्य जीवन जी रहे हैं जिसमें वे खुश हैं और उनके साथ रहने वाले लोग भी खुश हैं। कुदरत भी उनके साथ खुश है। वे हर तरह से समृद्ध जीवन जी रहे हैं। इस तरह की तैयारी मुझसे भी हो जाए ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करें। हे परमात्मा, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, हर तरह से मुझे योग्य बनाया जाए। मैं सुनने को तैयार हूँ। मेरी प्रार्थना एक दिशा में हो रही है, कहीं पर भी डबल टॉस नहीं है, यानी डबल प्रार्थना नहीं है। दो दिशाओं में जाने वाली, दो विपरीत दिशाओं में जाने वाली मेरी प्रार्थना बंद कर दो ताकि मैं मनुष्य देह की उच्चतम संभावनाओं को जीवन काल में ही देख पाऊं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया यह कृपा जारी रखें। हे परमात्मा, मैं सदा
अपने सेंटर पर रहूं, अपने अंदर के केंद्र पर रहूं, अपने होने के एहसास पर रहूं। जैसे ही मैं सेंटर से हट जाऊं, मुझे अंतर्बोध के द्वारा तुरंत मार्गदर्शन दो, ताकि मैं वही कर पाऊं जो ईश्वर की इच्छा है। विश्व के सारे लोग ईश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा समझें, स्वास्थ्य, संतुष्टि, पवित्रता पाएं। जब भी किसी को तनाव आए, उसे अपने अंदर से ही मार्गदर्शन मिले, जिससे वे तनाव से बाहर आ जाएं, अच्छी फीलिंग में आ जाएं। हर इंसान के जीवन में बहुत सुंदर दृश्य आए हैं, वे सारे दृश्य उन्हें दिखाए जाएं, ताकि वे अपने ऊपर हुई कृपा को याद कर पाएं, पीतल से चुंबक बन जाएं। हे परमात्मा, सभी को अपनी चुंबकीय शक्ति में बनाए रखो, अपने शुभ्र प्रकाश में सबको स्वास्थ्य दो, समृद्धि दो, रिश्तों में मिठास दो। सभी अपने आप को यह प्रशिक्षण दें कि शरीर और उसमें निवासी ईश्वर आपस में वार्तालाप कर पाए, और मन चेकर बनकर कोई भी बाधा न डाले। ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि विश्व के हर मन को मिले। हे परमात्मा, मेरे जीवन की गाड़ी की स्क्रीन हमेशा साफ रखें, विश्व के हर प्राणी साफ देख पाएं, उनके जीवन में आने वाले मोड़ वे पहले ही देख पाएं, और सेफ, स्मूथ, सुरक्षित यात्रा कर पाएं। स्क्रीन धुंधली होते ही सफाई का कार्य अंतर मन में शुरू हो जाए, अपने आप शुरू हो जाए। ऐसी कृपा सब पर बनाए रखो, ऐसा तालमेल सभी के साथ बनाए रखो। हे परमात्मा, इस बात के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रामिड का इस्तेमाल करें, प्रेयर और मेडिटेशन का इस्तेमाल करें। जब भक्त और भगवान मिलते हैं, तब ऊपर की यात्रा होती है। सभी ऊपर उच्च चेतना की यात्रा करें। सभी गीत भजन गाते गुनगुनाते उच्च यात्रा करें। अंतर्बोध की आवाज़ को सभी सुन पाएं। सबको सुनने की हैबिट, पढ़ने की हैबिट मिले, ताकि अलग अलग मार्गों से मिल रहा मार्गदर्शन वे जल्द पहचान पाएं, आश्चर्य कर पाएं। इस तरह सभी लोगों के लिए जैसे शब्द आपसे बन पड़ते हैं, अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज मंगल को अब तुम समझो। अंत में जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें।